प्रोफेसर साहब मेरी बात तो सुनिए। दरअसल संजना बहुत शर्मिंदा है, वरना वो मुझे यहां क्यों भेजती आपसे माफी मांगने के लिए? वो खुद नहीं जानती कि आदित्य को क्या हो गया था। वो खुद आपसे यहां मिलने आना चाहती थी प्रोफेसर साहब, लेकिन अचानक मुंबई से फोन आ गया और उसे आदित्य के साथ जाना पड़ा। वो कहीं नहीं जा पाएंगे। जी, वो शक्ति जब तक अपने इरादे में कामयाब नहीं हो जाती, वो संजना को मुंबई तो क्या, इस शहर की सीमा से भी बाहर नहीं निकल लेती। उसका पति उसे यहां से बाहर ले जाना चाहता ना, दिखा दे ले जाके। प्रोफेसर साहब वो लोग तो यहां से निकल चुके हैं। निकल चुके हैं, पहुंचे नहीं है अभी। जी आगे रास्ता बंद है।